सर अज का जिहड़ा पुतला फूक प्रदर्शन किया गया वा ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रधान श्री भानू प्रताप राणा जी की अगवाई दे विच पूरे पंजाब दे विच किया गया। गुरदासपुर दे विच साडे जिला प्रधान सरदार परमिंदर सिंह गिल जी के दिशा निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों यह प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सर जिदा कि तुम सारे जानते हो कि कुछ दिन पहले साडे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी ते जानलेवा हमला होया। उस हमले नू लैके उहदी निंदा करदे होए उहदे रोष वजो ये जिहड़ा प्रदर्शन किया गया। पंजाब सरकार इस हमले दे लई किसान भरावां नू जिम्मेवार ठहरा रही है। वह कह रही है कि हमला किसानां ने किया पर भारतीय जनता पार्टी ये मंदी है कि किसान भरा इदां दी ओछी हरकत इदां दी छोटी हरकत कदी नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसान भरावां दी आड़ दे विच अपने गुंडे भेज के पंजाब सरकार पूरे पंजाब का माहौल खराब कर रही है ते ये किसानां नू बदनाम कर रहे ने। असी इस गल का विरोध करते हाँ, साडे किसान भरा कदी भी इदां दी हरकत नहीं कर सकते। ये सरकार जिहड़ी है ये दिनों दिन पंजाब का माहौल खराब कर रही है। ये हर मोर्चे ते हर मुद्दे ते नाकाम हुंदी जा रही है। जदों एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक जिम्मेवार व्यक्ति आ के ये बयान दिंदा वा कि किते पंजाब का नौजवान हथियार ना चुक ले ते तुसी आप सारे सारे समझदार हैगे हो कि ये पंजाब दे नौजवानों नू की संदेश दे रहे ने। ये भड़काऊ संदेश दे के ये पंजाब दे नौजवानों नू भड़काना चाहते ने। नौकरियां तो इन्होंने दित्तियां नहीं, बेरोजगारी भत्ते तो दित्ते नहीं, तो ये नौजवानों नू भड़का के दंगे फैला के पंजाब का माहौल खराब करके मुड़ सत्ता हासिल करना चाहते ने। क्योंकि ये सरकार का इतिहास ही रहा वा, चाहे तो 1947 वेख लो, इन्होंने सत्ता हासिल करन दे लई देश दे टुकड़े कर दिते, लखां निर्दोष लोगों नू मरवा दिता। फिर तुम 1984 वेख लो, कुर्सी दे लालच दे विच इन्हां ने हिंदू सिख भाईचारे च ऐसी दरार पाई, इन्ने बेकसूर लोगों नू उदों भी मरवा दिता। ये सत्ता दी भुखी सरकार सत्ता लई कुछ भी कर सकती है, ये लोगों नू लड़ा सकती है, मरवा सकती है। तो मैं अपने तुहाडे माध्यम दे राही अपने नौजवान भरावां नू एक संदेश देना चाहवांगा, एक अपील करना चाहवांगा एज ए, क्योंकि मैं भी युवा मोर्चा प्रधान हाँ। मैं अपने युवा भरावां नू एक अपील करना चाहवांगा कि ये लीडर लोग जिहड़े ने जिहड़े वड्डे वड्डे तानाशाह ने ये किसी दे सगे नहीं हुंदे। तुहाडे वल्लों किन्हां दा पुतला साड़िया गया? साडे वल्लों अज कैप्टन का पुतला साड़िया गया जी। ये महाराजा अपने महल च बह के तो भड़काऊ बयान दिंदा वा, तो गरीब जनता नू आम भोले भाले लोगों नू मरन लई सड़कों ते भेज दिंदा वा। इहनू पहले बंदा सवाल करे, मैं कहना यूथ नू सवाल करे कि ये तुहानू कहिंदा सड़कों ते उतरो, ये तुहानू कहिंदा हथियार चुको, इहनू पुछो इहदा अपना पुत कित्थे आ, इहदे अपने पोतरे कित्थे ने, पोते पोतियां कित्थे ने। अपने पोते पोतियां नू पुत्तरां नू ये विदेशां च भेज दिंदे ने पढ़ाइयां करन, पंजाब तों बाहर भेज दिंदे ने शाही जिंदगी जीण लई उहनां नू भेजदे ने, ते मजदूर आम लोगों नू मजदूर लोगों नू ये लड़न लई मरन लई सड़कां ते भेज दिंदे ने। मरदा कौन है इन दी एंड? मरदा आम बंदा वै जी। किसी वड्डे लीडर का पुत अज तक तुसीं मरदा वेख्या? किसी वड्डे लीडर का पुत धरने च आ के लड़दा वेख्या? ये आम जनता नू इन्हां ने लड़न लई रखेदा, आप खांदे मलाइयां। मैं यूथ नू अपील करांगा इहो जिहे लोकां दीआं गल्लां च ना आओ, आपसी भाईचारा पंजाब दा बनाई रखो, आपसी शांति बनाई रखो, ते साडा भाईचारा ही साडी ताकत वा। असी किसे वी तरह दी विरोध दी राय विद्रोह दी राजनीति बदले दी राजनीति दा विरोध करदे आं। जय हिंद जय भारत। ये अज भारतीय जनता युवा मोर्चे वालों साढ़े पंजाब प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी के उत्ते जानलेवा हमले होने के विरोध के अज प्रदर्शन जिहड़ा वा पुतला फूक प्रदर्शन किया गया। ये झूठ के दम से सरकार बनी है जी, पंजाब सरकार तरह तरह के लोगों ने झूठ बोले, इतों तक कि पंजाब का जिहड़ा मुख्यमंत्री अज उन्हें पवित्र गुटका साहब की सहुं खा के झूठा वादा किया कि चार हफ्तों मैं नशा खत्म कर देना। उतों पता लगता है ये बंदा विश्वास के काबिल है। ये झूठ के दम से बनी सरकार अज माफिया के सहारे चल रही है। तुम देख रहे हो तरह तरह का माफिया हावी अज पंजाब, नशा माफिया, उच्च ड्रग माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, भू माफिया, हूँ राशन माफिया भी हो गया। जिहड़ा सेंटर वालों भेजा राशन 6 महीने का गरीबों वास्ते वह भी खा गए। सो कहने का मतलब कि हुण तुम देख सकते कि साडे पंजाब प्रधान जी जिहड़े एक पार्टी के सूबा प्रधान ने, जे वह सुरक्षित नहीं हैगे पंजाब दे विच आम बंदे का की हाल होएगा? पंजाब की कानून व्यवस्था बुरी तरह जिहड़ी आ
वो चरमरा चुकी है। तो ये जड़े अपनी नाकामी लुकाने वास्ते पंजाब सरकार तू झूठ का सहारा लै रही है, साढ़े किसान भरावान भड़काया जा रहा और उन्होंने आड़ चे पंजाब प्रधान जी उ हमला किया गया। पर तुम देखोगे एक अखबार से कल भी बयान लगे साढ़े किसान भरावान का बयान आया कि अश्विनी शर्मा जी के उत्ते अही हमला नहीं करवाया, जो इन्नी थलड़ी सोच उन्हों की नहीं हैगी। सो कहने वाले कि अपनी गुंडागर्दी और अपनी राजनीति चमकाने वास्ते ये सरकार गुंडागर्दी से उतर आई है, ये हूँ पंजाब नूं बंगाल बनाना चाहते हैं। इस करके मैं तुहाडे मीडिया के माध्यम तो पंजाब सरकार तो मंग करना ये सरकार अस्तीफा दे ते अपना अस्तीफा दे के मुड़ जो जनादेश जनादेश जरा वा वो हासिल करे। पिछले दिन भी डीसी दफ्तर में धरना भी लगाया गया, मंग पत्र दिता गया वह भी जरा इस सिलसिले में लिया के साढ़े पंजाब प्रधान जी उत्ते जो हमला होया विरोध के साढ़े बीजेपी के जोड़े वर्कर ने उन्होंने अंदर रोस से उस रोस के सिलसिले लैके ही असी जरा वा डीसी दफ्तर के बाहर जरा धरना दिता।